Hello my viewers, now in this session we are going to learn about some technical news. ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि how to set 7 new WhatsApp feature in WhatsApp. WhatsApp में कुछ new features आए हैं, उन सारे features के बारे में हम लोग इस session में सीखने जा रहे हैं my viewers. In this features we have 7 new features. In this video we have 7 new features. क्या क्या 7 new exciting features है जो हम लोग सीखेंगे. Let's start one by one. WhatsApp 2023 updates include chat lock, edit message, share high quality photos, voice status, status link preview, dedicated video recording mode, same WhatsApp multiple devices. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखने जा रहे हैं और ये बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स है, इसको आप लोग को अपने WhatsApp में यूज़ करना चाहिए. स्टेप्स क्या होगा इन सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए वो मैं बता दे रहा हूँ आपको इस वीडियो में. अप्लाई करना आपका काम है, आपके पास सारा ऑप्शंस है, आप व्हाट्सएप में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आपको सब कुछ मिलता रहेगा. तो विदाउट लेट लेट्स स्टार्ट चैट वन. चैट लॉक, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कोई भी चैट अगर आपको कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप चैट कर रहे हो, तो अपने उस चैट को आप लॉक कर सकते हो कि कोई और आपके चैट को देख ना सके. तो इसको लॉक करने के लिए क्या करना होगा, स्टेप्स यहाँ पे जैसे दिया हुआ है. वी कैन स्पेसिफिकली लॉक व्हाट्सएप चैट्स. गो टू अ प्रोफाइल इन्फो स्क्रीन ऑफ एनी कॉन्टैक्ट, चैट कॉन्टैक्ट दैट यू हैड लाइक टू लॉक. आपको क्या करना है, कोई भी प्रोफाइल जिसका आपको चैट लॉक करना है उसके प्रोफाइल में जाना है. प्रोफाइल में जाना, जैसे चैटिंग कर रहे हैं उसके प्रोफाइल में चले जाना है. जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको चैट लॉक का ऑप्शन दिखेगा. चैट लॉक ऑप्शन में ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन जैसे इसको इनेबल करोगे तो लॉक दिस चैट विद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा. तो आप अपने फिंगरप्रिंट से बैक साइड से जैसे लॉक करते हो उस चैट को लॉक कर दोगे. जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो उस पर्टिकुलर पर्सन जिसे आप चैट कर रहे हो उसका चैट पूरा का पूरा चैट क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा उस फिंगरप्रिंट से. अब कोई न्यू यूज़र अगर आएगा तो चैट को ओपन नहीं कर पाएगा विदाउट योर फिंगरप्रिंट. नेक्स्ट न्यू फीचर है जिसको हम लोग को जानना चाहिए, दैट इज वी कैन नाउ एडिट सेंड व्हाट्सएप मैसेज. अब मान लो आपने कोई मैसेज सेंड किया, अब सेंड करने के बाद आपको लगा नहीं मैसेज में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कुछ टाइप मिस्टेक कर दिया, तो उसको हम लोग अब एडिट कर सकते हैं. लेकिन एडिट तो करेंगे, लेकिन एक क्या दिक्कत है यहाँ पे कि यू कैन नाउ एडिट टेक्स्ट विद इन द फर्स्ट 15 मिनट. 15 मिनट तक ही टाइम आपके पास रहेगा तभी आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना. यू हैव ओनली 15 मिनट्स टू एडिट द टेक्स्ट मैसेज. सेंड मैसेज जो है उसको 15 मिनट तक ही आप एडिट कर सकते हो, उसके बाद करेंगे तो नहीं होगा. इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपने जो मैसेज भेजा है उसको होल्ड ऑन टू द मैसेज यू वांट्स टू एडिट. जिस मैसेज को आपको एडिट करना है उसको आपको क्या करना है, होल्ड करके रखना, टैप प्रेस, कीपिंग इट प्रेस्ड, थंब से आप प्रेस किए रहना. नाउ सेलेक्ट द एडिट ऑप्शन, उसके बाद ऊपर 3 डॉट्स में जाओगे राइट साइड बॉटम में, राइट साइड में तो ऊपर में टॉप में, तो 3 डॉट्स का ऑप्शन वहाँ एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप राइट में. मेक द चेंजेस टू द टेक्स्ट, फिर आप जो भी टेक्स्ट में चेंजेस करना है चेंजेस कर लेना. उसका राइट साइड में टिक का ऑप्शन रहेगा, टिक पे क्लिक करोगे टू फाइनलाइज द चेंजेस, आपका चेंज होकर के वो मैसेज चला जाएगा. इसको जरूर यूज़ करके देखें, स्टेप लिखा हुआ है, आप स्टेप्स को जरूर यूज़ करें, आपका हो जाएगा. नेक्स्ट थर्ड फीचर है शेयर हाई क्वालिटी फोटोज. अभी तक हम लोग जो फोटो सेंड करते थे विथ समवन व्हाट्सएप यू हैड टू रिलाई ऑन सेंडिंग ए फोटो एज ए डॉक्यूमेंट, है ना. अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो भी मैसेज भेजना था हाई क्वालिटी में अगर फोटो भेजना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, जो भी डॉक्यूमेंट है जिसको भी हमको भेजना रहता था तो एज ए डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उसको हम लोग सेंड बटन में जाते थे, डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते थे और वहाँ से चला जाता था. लेकिन अब क्या करना है आपको कि वैसे नहीं करना, बल्कि अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाना है. सेटिंग्स में राइट साइड में टॉप डॉट जो बटन है वहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है. लुक फॉर स्टोरेज एंड डेटा, स्क्रॉल डाउन करना तो स्टोरेज एंड डेटा का ऑप्शन मिलेगा. स्टोरेज एंड डेटा का ऑप्शन में जाने के बाद नीचे में आप देखोगे सबसे लास्ट में आपको मिलेगा मीडिया अपलोड क्वालिटी. जैसे उस पर टच करोगे तो वहाँ ऑटो आएगा, बेस्ट क्वालिटी आएगा, थर्ड में कुछ और आता है आप देख लेना. तो आप बेस्ट क्वालिटी फॉर फोटो अपलोड क्वालिटी पे टच कर दोगे. मूविंग टू द फोर्थ स्टेप, वॉइस स्टेटस. नाउ वी कैन पुट वॉइस स्टेटस ऑन द व्हाट्सएप. हाउ टू सेंड वॉइस मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, वी कैन नाउ सेंड वॉइस मैसेज एज योर स्टेटस अपडेट. अब जैसे स्टेटस में आप फोटो लगाते हैं वहाँ पे आप अपना वॉइस स्टेटस, जैसे आपको कोई भी नमस्ते सलाम कुछ भी लिख बोल करके आपको अपने स्टेटस में लगाना है तो यू कैन अप्लाई.
कैसे करेंगे, हेड ओवर टू स्टेटस टैब ऑन व्हाट्सएप के स्टेटस टैब में चले जाना है। वहाँ पे एक पेंसिल का आइकन राइट साइड में नीचे में आपको दिखेगा, उस बॉटम में जैसे ही आप पेंसिल आइकन में क्लिक करोगे तो आपको ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन टैप द माइक्रोफोन आइकन राइट साइड नीचे में एक माइक्रोफोन आइकन मिलेगा। नाउ स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर वॉइस मैसेज, आप टैप करके आप अपना 30 सेकंड्स का वॉइस मैसेज को वहाँ पे सेंड कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ स्टेटस लिंक प्रीव्यूज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुटिंग व्हाट्सएप इन यूट्यूब वीडियोज़। यूट्यूब वीडियोज़ को अगर आप लिंक अपसेट करना चाहते हो अपने व्हाट्सएप में विथ थंबनेल तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे होगा, व्हेन पोस्टिंग ए लिंक एज योर स्टेटस व्हाट्सएप कैन नाउ ऑटोमेटिकली एड ए प्रीव्यू इमेज बाई फेचिंग द थंबनेल और द फीचर्ड इमेज फ्रॉम द यूआरएल। आप जैसे लिंक यूआरएल पेस्ट करोगे अपने स्टेटस में तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका यूट्यूब का जो थंबनेल है और जो आपका लिंक है वो सारा का सारा पुटअप हो जाएगा आपके स्टेटस में। कैसे अप्लाई करोगे, बेसिकली विद दिस फीचर द पर्सन हिटिंग योर लिंक विल हैव अ कॉन्टैक्ट बाई सीइंग द थंबनेल। तो बस कुछ करना नहीं है, स्टेटस ऑप्शन में पेंसिल आइकन में जाना है और वहाँ पर आपको कीप इट प्रेस और अपना लिंक को पेस्ट करना है। थोड़ी देर जरूर रुकिएगा पेस्ट करने के बाद, जब तक कि वो आपका थंबनेल लोड ना हो जाए। थोड़ा टाइम लगता है थंबनेल लोड होने में, आप देखोगे कुछ देर होने का 10 सेकंड 4 सेकंड में वो 2 सेकंड में अपलोड हो जाता है और उसके बाद आप पुटअप कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर है। 6 है डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग मोड। अब वीडियो रिकॉर्डिंग मोड जैसे कैसे करोगे, पहले था कि आपको टैप बटन दबाए रहना पड़ता था व्हाट्सएप में अगर वीडियो भेजना, अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जैसे यूजर हैड टू प्रेस एंड होल्ड द शटर बटन इन द कैमरा सेक्शन ऑफ द व्हाट्सएप, बट Now with the dedicated video recording mode, there is a separate button altogether that lets you record videos. आप क्या करना, एक बार टच करोगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्डिंग। पहले था दबाए रहना पड़ता था, अब दबाए रहने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार टच करोगे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब न्यू फीचर्स है व्हाट्सएप का। 7 है आफ्टर ईयर्स ऑफ वेटिंग व्हाट्सएप फाइनली गिव अस द एबिलिटी टू यूज़ आवर सेम व्हाट्सएप अकाउंट ऑन मल्टीपल डिवाइसेज। एक ही व्हाट्सएप को हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस में अब यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, बेसिकली वर्क्स लाइक हाउ यूज़ व्हाट्सएप है। ऑल यू नीड टू डू इज सपोज यू वांट टू रन व्हाट्सएप ऑन ए डिफरेंट फोन, मतलब आप अपने व्हाट्सएप को किसी और फ़ोन में यूज़ करना चाहते हो, इसके लिए करना क्या होगा, डाउनलोड व्हाट्सएप ऑन द न्यू डिवाइस। दूसरे फ़ोन में पहले व्हाट्सएप को आप डाउनलोड करोगे एंड वाइल यू आर ऑन द स्क्रीन दैट सेज इंटर योर फोन नंबर। अब दूसरे मोबाइल फ़ोन में जब व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे तो आपको इंटर करने बोलेगा फ़ोन नंबर, तो वहाँ पे आपको क्या करना, 3 डॉट में टैप करना राइट साइड में और सेलेक्ट लिंक टू एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑप्शन में जाना। यही ध्यान रखना, सेलेक्ट टू लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट में जाना। आफ्टर दैट स्कैन द QR कोड फ्रॉम योर प्राइमरी फ़ोन। आपका जो फर्स्ट फ़ोन है जिसमें आप व्हाट्सएप चलाते हो उससे QR कोड को क्या करना है, स्कैन कर लेना है सेकेंड फ़ोन का। एंड यू कैन रन द सेम व्हाट्सएप अकाउंट ऑन 2 स्मार्टफोन्स। उसके बाद आपका जो फर्स्ट फोन में वही व्हाट्सएप आपके सेकंड फोन में रन करने लगा। यू कैन साइमल्टेनियसली डू दिस ऑन 4 डिफरेंट डिवाइसेस, 4 डिफरेंट डिवाइसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस स्कैन करके। नाउ कुछ फीचर्स है जो व्हाट्सएप बहुत जल्द लाने वाला है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट्सएप इज वर्किंग ऑन सेवरल न्यू फीचर्स बट 2 ऑफ देम आर मेजर अपडेट दैट विल अराइव सून, है ना। 2 व्हाट्सएप फीचर जो अभी बहुत जल्द आने वाला है व्हाट्सएप में, वो कौन कौन सा है। पहला बिग फीचर है दैट लेट ऐड यू ऐड ए यूज़र नेम। आप अपने अकाउंट में ऐड क्या कर सकते हो, माय यूज़र, आप अब यूज़र नेम ऐड करोगे। जैसे जीमेल फेसबुक में यूज़र नेम होता है, वैसे व्हाट्सएप अब लाने वाला है कि यूज़र नेम दिखेगा, आपका फ़ोन नंबर हाइड हो जाएगा, कोई दिखेगा ही नहीं फ़ोन नंबर। द प्लेटफॉर्म विल गिव यू द ऑप्शन टू हाइड फोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर अब किसी को नहीं दिखेगा, आपका यूज़र नेम दिखेगा व्हाट्सएप में। तो एक बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने नंबर को अब प्राइवेटली मैनेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो ये फीचर बहुत जल्द व्हाट्सएप लाने वाला है। एंड ऑल यूज़र विल ओनली बी एबल टू सी ओनली द यूज़र नेम, द अदर वन इज़ स्क्रीन शेयरिंग ड्यूरिंग वीडियो कॉल। आप जब वीडियो कॉल पे बात करते रहेंगे तो आप अपने स्क्रीन को अपने व्हाट्सएप में जो भी आप स्क्रीन है या आपका मोबाइल जो भी है उसको आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ये 2 बिग फीचर बहुत जल्द व्हाट्सएप लाने वाला है। Again, the feature will have a dedicated section in WhatsApp section. For now, currently the new feature to add a WhatsApp username is under development. Thank you and have a nice day.